लेकिन जिस किस्म का जोश आप में है, मैं वहां बैठा बैठा देख रहा था, उम्मीद कर रहा था कि आपके नारों की गूंज जो है सिंगू के बॉर्डर पे बैठे हुए किसान के कान तक जाएगी, गाजीपुर और शांजा बॉर्डर पे जाएगी, टीकरी और कलवल के बॉर्डर तक आपकी आवाज जानी चाहिए थी, इन सारे बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों के कान तक आपकी आवाज जानी चाहिए थी, वही इस देश के प्रधानमंत्री के आवास के ऊपर भी आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए थी। इसलिए मैं आपसे दो तीन नारे लगाऊंगा और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपके नारों की आवाज इतनी बुलंद होगी कि जहां कहीं भी किसान के समर्थक हैं उनके कान तक आपकी आवाज पहुंचेगी, और जो किसान का कहीं विरोध कर रहे हैं उनके कानों में और ज्यादा बड़े तरीके से इस आवाज को पहुंचाने का काम करूंगा। साथियों, मैं बोलूंगा जय जवान, आपने जवाब देना है जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। पूनम जी, गाजीपुर बॉर्डर पे फोन करके पूछो कि आवाज आई कि नहीं आई। आदर और सम्मान के योग मंच पे बैठे हुए लगातार हरियाणा प्रदेश के किसानों का नेतृत्व कर रहे इस आंदोलन को सिंगू के बॉर्डर पे बैठ करके मजबूती प्रदान करने वाले भाई सुरेश कोच जी, इस आंदोलन में टीकरी के बॉर्डर पे लगातार पिछले 96 दिन से उस आंदोलन से जुड़े हुए हर उस बड़े बुजुर्ग से, हर उस नौजवान से, हर उस माता और बहन के टेंट में, ट्राली में, तंबू में जाकर के एक सोशल वर्कर के रूप में काम करके लगातार उन लोगों का हौसला बढ़ाने का काम कर रही आज आपके बीच में आई हुई सुश्री सोनिया मान जी, पंजाबी के बहुत बड़े गायक, आप सब के चाहते, लेकिन जब से ये आंदोलन शुरू हुआ जहां अपनी गायकी की बुलंद आवाज को दुनिया के अंदर बुलंद करने वाले, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होने वाले भाई मनकीरत ओड़क जी, इस आंदोलन को एक नई पहचान देने वाले, इस आंदोलन में बच्चे बच्चे की जवान के ऊपर मोदी जी को किस तरह से दिल्ली में बैठे को विचलित करने का काम करने वाले आपके बीच में अभी जिस ढंग से उस गाने को प्रस्तुत किया, लगातार इस आंदोलन को उस गाने के माध्यम से मजबूती देने वाले पूर्व में रहे फौज के सिपाही भाई अजय हुड्डा जी, आज आपके बीच में गाजीपुर के बॉर्डर से चल करके जिसको लगातार आप सोशल मीडिया पे देख रहे थे, हर रोज अपने ट्रैक्टर को लेकर के हजारों साथियों को गाजीपुर के बॉर्डर पे ले जा करके लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से
आंदोलन की एक एक बात उन तक पहुंचाने वाली अभी आपके रूबरू होकर के गई नेशनल शूटर पूनम पंडित जी मंच पे बैठे हुए बहुत से जो किसान आंदोलन से लगातार जुड़े हुए जिन्होंने सदा किसान आंदोलन को ताकत दी जो आज भी उस आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए काम कर रहे सभी किसान साथियों वही आज आपको हजारों की संख्या में आमंत्रित करने वाले लगातार एक किसान संगठन को चलाने वाले अनेक गांव से युवा जो साथी जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी राजनीतिक पार्टी को ताकत देने की बजाय आज उस किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए गांव-गांव में जाकर के लोगों में जागृति पैदा करने वाले किसान मोर्चा के सभी साथीगण आज के इस किसान की महापंचायत में आए हुए एलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के आसपास के गांव से आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों सम्मान के माताओं बहनों पत्रकार छायाकार दोस्तों सब साथी लगातार आपके बीच में आज ये जो 96 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन के बारे में अपने अपने ढंग से सारी बात आपके सामने रखी मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा लेकिन साथियों जिस तरह से पिछले एक वर्ष से हम जिन हालात से इस देश में गुजरे जिस तरह प्रदेश के एक वर्ष के हालात रहे मैं उनके बारे में चर्चा आपसे जरूर करनी चाहूंगा साथियों मुझे अच्छी तरह से ध्यान है 8 मार्च को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से आग्रह किया था और कहा था कि एक ऐसी बीमारी दुनिया में पैदा हुई है जिसकी वजह से सारा देश आज सारी दुनिया आज भयभीत है डरी हुई है कोरोना के नाम की एक बीमारी है दुनिया में देश में आई देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से आग्रह किया था 8 मार्च के दिन कि अगर आप चाहते हैं ये बीमारी जड़ मूल से समाप्त हो खत्म हो हमारे देश में बीमारी पैर ना फैलाए तो फिर आपको आज पूरा दिन घर के अंदर रह करके शाम को 5 बजे के बाद अपनी छत पे चढ़ करके थाली बजाने का काम करना है देश के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार किया और लोगों ने पूरा दिन अपने घर में रह करके शाम को हर घर की छत पर के चढ़ करके लोगों ने थाली बजाने का काम किया था हमारा देश का प्रधानमंत्री कोरोना की बीमारी से निपटने की बजाय देश के लोगों में भय पैदा कर रहा था डर पैदा कर रहा था जहां डर और भय पैदा कर रहा था वही कभी हमें थाली बजाने की बात कहता था कभी ताली बजाने की बात कहता था जबकि देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती थी इस दुनिया के अंदर जिस महामारी ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया मौत के मुंह में ले जाने का काम किया जब उस बीमारी से निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री को फैसला लेना चाहिए था जब उस बीमारी की वजह से कारखाने बंद हो गए थे स्कूल बंद हो गए थे कॉलेज बंद हो गए थे कैसे देश के अंदर आर्थिक सुधार हो इसके लिए निर्णय लेना चाहिए था जहां देश के प्रधानमंत्री को
उन मजदूरों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी जो हजारों मील से चल करके कारखानों में काम करते हैं, जो हजारों मील से आकर के हमारे खेतों और घरों के अंदर अपनी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने का काम करते हैं। बड़ी हैरानी की बात थी, लाखों की संख्या के अंदर बिहार से आए हुए, उड़ीसा से आए हुए, बंगाल से आए हुए मजदूर, जब उनमें इस बात को लेकर के भय पैदा हो गया था कि कहीं बीमारी की चपेट में आ गए, उस चपेट में आने के बाद कहीं हम अपनी जान ना गवा बैठे, इसलिए हर इंसान की इच्छा होती है कि मैं इस तरह के हालात जब देश में बने तो हर व्यक्ति अपने घर में अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। लोग सड़कों के ऊपर उस 50 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर बिना पैर में चप्पल डाले, पैरों में छाले लेकर के हजारों मील का सफर तय कर रहा था। देश के प्रधानमंत्री को इस बात को लेकर के कतई कोई चिंता नहीं थी, इस गरीब की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा, ये गरीब अपने घर तक कैसे जाएगा, जहां उन्हें साधन मुहैया कराना चाहिए था। हमारा देश का प्रधानमंत्री लगातार लोगों के बीच में भय का माहौल पैदा करने के काम कर रहे थे। जहां साथियों कोरोना में पूरे देश के लोग परेशान थे, हरियाणा प्रदेश के अंदर कोरोना काल के दौरान 9 बड़े घोटाले हुए थे। अगर मैं एक एक घोटाले का विस्तार से जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। हरियाणा के अंदर जब नई सरकार बनी थी, किसान अपने खेत की धान की फसल काट करके मंडी में बेचने जा रहा था, सरकार की एजेंसियां उस धान को खरीद रही थी, लेकिन जहां उसको एमएसपी का भाव मिलना चाहिए था, सरकार ने एमएसपी देने की बजाय 250-300 रुपए क्विंटल कम करके किसान की जेब पे डाका डालने का काम किया था। पहले धान के अंदर रूपमती, फिर साथियों सरसों का जो किसान था उसकी फसल को एमएसपी देने की बजाय सस्ते में बेचने पे मजबूर किया। थोड़े दिन के बाद जब गेहूं की फसल पक करके तैयार हो गई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक राजनीतिक कमेटी बनाई थी, उस कोरोना के काल को कैसे निपटा जाए इसके लिए मुख्यमंत्री ने अपने अध्यक्षता में, जहां वो खुद उसके चेयरमैन थे, मुझे मेंबर बनाया गया था, मेरे साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेंबर थे, वही उस कमेटी में उसके कुछ मंत्री भी शामिल थे। मैंने उनके सामने पूछा था, जब हमारी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, मुख्यमंत्री जी जहां आपने सरसों में किसान को लूटने का काम किया, आने वाले समय में इस कोरोना के काल में गेहूं की फसल की कैसे किसान ले जाकर के मंडी में बेच के आएगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा था, हम थोड़ा बहुत समय ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन किसान का एक एक दाना खरीदने का काम करेंगे। साथियों हैरानी की बात है, केंद्र की सरकार की तरफ से 17,000 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार को इसलिए दिया गया था कि वो किसान की गेहूं की फसल को खरीद के उसकी पेमेंट साथ के साथ करने का काम करे। पेमेंट देने की बजाय 2 महीने तक हरियाणा प्रदेश के किसान को बैंकों के चक्कर काटने पड़े थे। तो 17,000 करोड़ रुपए को एक बैंक था HDFC के नाम से, उस बैंक के लोगों के साथ सरकार में बैठे लोगों ने मिलकर के वो 17,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा कराया। 800 करोड़ रुपया उस 17,000 करोड़ का 2 महीने का ब्याज बढ़ा। हर 800 करोड़ रुपया बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर के बैठ करके सत्ता में बैठे लोगों ने उस पैसे को अपनी जेब में डालने का काम किया। उसके बाद शराब का घोटाला हुआ, रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, स्वास्थ्य विभाग का घोटाला हुआ, जहां घोटाले हो रहे थे, जहां प्रदेश के किसान को लूटा जा रहा था,
जहां हर वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा था, वहीं हमारा देश का प्रधानमंत्री कृषि के कानून बनाने जा रहा था, तीन काले कानून बनाने के काम किए। मैं साथियों ये बात यहां जरूर कहना चाहूंगा कि जब कृषि के कानून का ड्राफ्ट तैयार हुआ, जब इसकी रूपरेखा बनाई गई थी, ये मामला 2012 का है। 2012 में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जो इसके लिए कमेटी मुकरर की गई थी, जिसके 5 मेंबर थे जो अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे, उनमें हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी का चेयरमैन था। जिस कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया, आप थोड़ा सा पीछे जाकर के देखोगे, 2012 को जब बजट का सेशन आया था, उसके अंदर कांग्रेस की तरफ से कृषि के इन तीनों काले कानूनों का बिल भी आया था, और इन तीनों काले कानूनों को बिल के रूप में जाकर के हमारे ऊपर थोपड़ा कांग्रेस पार्टी चाहती थी। उस वक्त के अंदर जब ये बिल आया था, कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, कांग्रेस के पास ऐसे लोगों ने उनको सत्ता में लाने का काम किया था, जो अलग अलग क्षेत्रीय दल थे, छोटे छोटे दल थे, जो अपने अपने प्रदेशों के अंदर किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करते थे, किसानों को सुविधाएं देने का काम करते थे। उस वक्त में लालू प्रसाद की पार्टी का समर्थन कांग्रेस को था, मुलायम सिंह जी की पार्टी का समर्थन कांग्रेस को था, बीजू पटनायक की पार्टी का समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ था, वही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी का समर्थन भी कांग्रेस पार्टी के साथ था, शरद पवार की पार्टी का समर्थन कांग्रेस के साथ था। जब वो बिल लेकर के आए, जब उन्होंने उस पर चर्चा शुरू कराई, इन सब पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी से जाकर के कह दिया कि अगर ऐसे काले कानून इस देश के अंदर आपकी सरकार लागू करना चाहेगी तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी। और सरकार के गिरने के डर से कांग्रेस पार्टी ने उन कानूनों को वापस लेने का काम किया। वो बिल जो बिल लेकर के आए थे, उसे कमेटी के सुपुर्द करके ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आज साथियों, जो ड्राफ्ट कांग्रेस के समय में तैयार हुआ था, वही ड्राफ्ट आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना की आड़ के अंदर उनको कानूनन रूप देने का काम किया। जहां उसको कानूनन रूप दिया जा रहा था, हमारे हरियाणा प्रदेश की एक दिन के लिए असेंबली का सेशन हुआ था, केवल और केवल आपकी अपनी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसने जहां विधानसभा के अंदर सबसे पहले इन तीनों कृषि के काले कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का काम किया, जहां हमने इसका विरोध किया, वही साथियों हरियाणा प्रदेश के हर डिप्टी कमिश्नर के हेडक्वार्टर पे जाकर के इन काले कानूनों को वापस किया जाए। इसके लिए सदन में हर जिले के पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के डीसी को ज्ञापन देकर के भी आया था। साथियों, अभी बात करनी थी कि मैंने इस्तीफा देने का काम किया, मैंने उस वक्त में इस्तीफा किया जब कहीं ना कहीं उस आंदोलन को तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी। आप याद करो, 26 तारीख को 26 जनवरी के दिन जब हरियाणा जब बॉर्डर पे बैठा किसान अपना ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली के अंदर अपनी तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, जहां किसान तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश को मैसेज दे रहा था कि आज केंद्र की सरकार किसान को आंदोलन करने पे मजबूर कर रही है, आज किसान की जमीन को लूटने के लिए काले कानून बना रही है, आज किसान उस खेत का मजदूर मालिक जो था मजदूर बन जाए, इसके लिए इस तरह के कानून हमारे ऊपर थोपना चाहती है। उसके विरोध के अंदर लाखों किसान जो अपने अपने ट्रैक्टर पे बैठ करके जब दिल्ली के लोगों का दिल जीतने का काम कर रहे थे, वही पूरी दुनिया को इस बात का संदेश दे रहे थे, प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे थे, कह रहे थे कि आप इन काले कानूनों को वापिस लें, चाहे काले कानून वापिस लेने का काम करें। वही आप देश के किसान के लिए MSP का नया कानून बना करके उस किसान की फसल की गारंटी देने का काम करें। लेकिन साथियों, दिल्ली की सरकार
केंद्र की सरकार ये काले कानून वापस लेने की बजाय उन किसानों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे बढ़ा रही थी, उन किसानों को कहीं ये कहकर के बदनाम कर रही थी कि आंदोलन खालिस्तानियों का हो गया है, कई सिख और हिंदू को आपस में लड़ाना चाहती थी, हरियाणा और पंजाब के लोगों के बीच में विवाद खड़ा करना चाहती थी। एक षड्यंत्र 26 तारीख को रच करके इन्होंने इस देश के किसान को बदनाम करने की कोशिश करी थी। मैंने उससे पहले ये बात कह दी थी कि अगर 26 तारीख तक ये काले कानून वापिस नहीं ले लिए जाएंगे तो मैं 27 तारीख को असेंबली में जाकर के स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपने का काम करूंगा। मैंने साथियों इस्तीफा इसलिए भी दिया था कि लगातार बहुत सारे ऐसे राजनेता इस देश के थे जो किसान आंदोलन में जाकर के कहते थे कि हम चाहे आज सत्ता के साथ है लेकिन किसान के साथ अगर सरकार किसी किस्म से कोई दबाने की कुचलने की कोशिश करेगी तो हम सत्ता को छोड़ करके किसान के साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। मैं उन बहरूपियों के चेहरे बेनकाब करना चाहता था जो केवल किसान की बात कह करके किसान को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे हरियाणा प्रदेश के अनेक ऐसे विधायक थे जो जाकर के कहीं बॉर्डर के ऊपर घड़ियाली आंसू बहाते थे, जो कहते थे कि हम किसान के हमदर्द, हम किसान के साथ रहेंगे। आज साथियों मेरे इस्तीफा देने के बाद वो सारे बैरू के दिल में बढ़ करके रह गए। आज उनमें से एक भी किसी भी पेट्रोल बैरियर पे नहीं जा सकता, उनमें से कोई एक भी आज किसी किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकता। आज साथियों जिस ढंग से किसानों को कमजोर करने की साजिश ये केंद्र की सरकार रच रही है, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, सामने सिर्फ दो विकल्प थे, एक मेरे सामने कुर्सी थी और दूसरा मेरे सामने किसान था, मुझे इन दोनों में से एक का चयन करना था। मेरी रगों में चौधरी देवीलाल जी का खून है और चौधरी देवीलाल ने बड़े से बड़े पद को ठोकर मारने का काम किया। चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री के पद को भी अपने राज को भी नीतीश सिंह के सर पर रखने का काम किया था। चौधरी देवीलाल ने जो बात लोगों के बीच में कभी कही उस बात को कभी कमजोर नहीं होने दिया। मेरे सामने केवल दो विकल्प थे, एक विकल्प था कि मैं विधायक के पद पे बढ़ा रहूं और दूसरा विकल्प था कि मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करूं। चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुर्सी छोड़नी थी, मैंने कुर्सी छोड़ करके किसान के साथ खड़े होने का काम किया। किसान के साथ खड़ा हुआ वही साथियों आपसे अपील करने के लिए आया हूँ। आप बहुत लंबे समय से बैठे हो, बहुत देर से आप आए हुए हो, आपका मन ये जो कलाकार साथी बैठे हैं ये कलाकार पहले थे, आज ये किसान के पुत्र है, आज ये किसान के बेटे हैं, आज ये किसानों की आवाज है, आज ये किसानों के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं, आज ये मनोरंजन करवाने के लिए नहीं आए, आज आपको ये आह्वान करने के लिए आए हैं कि अगर आप किसान के घर में पैदा हुए हो तो फिर आपको सारे राजनीति से ऊपर उठ करके सारी आपसी छोटे मोटे विवाद भूल करके इस किसान आंदोलन का हिस्सा बन करके उस किसान को नए सिरे से आजाद कराने का काम करो जिस किसान को आज देश की सरकार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे इलाके का एक एक किसान जो है फसल की कटाई का समय आने वाला है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ में आंदोलन को मजबूत करने के लिए आप लोगों को अपनी खरीफ फसल खेत के अंदर इसकी चिंता मत करना, किसी साथी की फसल की कटाई में दिक्कत आएगी मुझे फोन करके कह देना, उसके खेत में कंबाइन भेज दूंगा, उसके गेहूं करूंगा, उसकी गेहूं दिलवाऊंगा और उसकी गेहूं पर एमएसपी पे मेरा काम है बिकवाने का। सरकार नहीं अगर उसको खरीदेगी तो सरकार के गर्दन पे पैर रख करके आपकी फसल को सरकार से एमएसपी के रेट पे बिकवाने का काम करूंगा। साथियों आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, आज के जो हालात है, आज जिस तरह से लोग लगातार किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, आज जिन के लोगों ने फैसला किया है कि जींद के अंदर बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता किसी गांव में नहीं जा सकेगा, आज पूरे सरसा जिला से आए हुए आप लोग बैठे हैं, आप आज एक फैसला लेकर के जाओ कि आपके भी किसी गांव के अंदर बीजेपी और जेजेपी का कोई नेता प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर कोई आएगा तो हम लोग उसका विरोध करने का काम करेंगे, लोग उससे इस्तीफे की मांग करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग
विरोध करोगे, अगर आप विरोध करोगे तो दोनों हाथ खड़े करके मुझे बताओ कि हम विरोध करने का काम करेंगे। जहां साथियों विरोध करोगे, भाई इलाहाबाद का भाई इलेक्शन आएगा, इलाहाबाद के लोगों से विशेष रूप से कहना चाहूंगा, क्योंकि इलाहाबाद के लोगों का कर्ज मेरे ऊपर है, आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया था, आपने मुझे विधानसभा का सदस्य चुना था, उन हालात में आपने मुझे वोट किया था, जब देश का प्रधानमंत्री मुझे यहाँ हराने के लिए आया था, आप लोगों ने देश के प्रधानमंत्री की बात सुनने की बजाय आप लोगों ने अपना एक एक वोट डाल करके मुझे विधानसभा भेजा था। साथियों उसी तरह से आने वाले समय में जब चुनाव हो आपके यहाँ पे, तो उस चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के लोगों को सबक सिखाना और फिर से अपनी ताकत हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करना। आप आए, आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।